अभी क्या कहते हैं, शाम हो चुकी है और अभी जो मजदूर थे वो सारे चले जा चुके काम कर। आज श्यामा जी ने घास खाटी थी यहाँ पर, और अब कल से स्टार्ट होगा हमारा वो करना, क्या कहते हैं, प्लास्टर होना स्टार्ट होगा। 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए प्लास्टर बाहर का, फिर अंदर का स्टार्ट होगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, सबसे समझदार डॉग होते हैं जर्मन शेपर्ड, सबसे समझदार डॉग। बताओ ये क्या कैसा डॉग है, ये जब भी उनको सुसु पॉटी कर देते हैं ना, तो ये फिर अपने नाक से मिट्टी भरता है, यूं यूं करके नाक से मिट्टी भरता है और हमें बुलाता भी है। इतना समझदार डॉग है, पर है शैतान बहुत है। और डेल्मेशियन आपको पता ही होगा कि क्या कहते हैं, तो एग्रेसिव होते हैं डेल्मेशियन। देखते पीछे में बैठा हुआ, ये बहुत नॉटी है वैसे, वह हमेशा घूमर घूमर डांस करता रहता है। और टकरू को तो मैं एक चीज़ बताऊँ, बचपन में मैंने उसका थोड़ा सा, मैं जैसे उसको मारता करता हूँ ना, तो जैसे गला वाला दबाया, मैंने उसका सिर विर पकड़ा था, तो वो मेरे को पसंद ही नहीं करता। कि पहले मैंने बचपन में कर दिया था उसका गला वाला ऐसे कर दिया था, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, ये 3 या 4 साल पहले की है, 3 या 4। तो मैंने वहाँ जब अपने पुराने घर में थे वहाँ पे मैंने करा था, इसलिए वो पसंद ही नहीं करता मेरे को। और पीछे वो देख सकते हैं अपना सनसेट होने वाला है, और मेरे को 3 दिन मिल चुके हैं, 3 दिन पूरे उसके लिए कर देते हैं अपने एग्ज़ाम को, मतलब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। 2 एग्ज़ाम बचे हुए मेरे, एक एसएसटी का द सोशल साइंस, और एक मेरा वो संस्कृत का, बस वो 2 बच्चे, फिर एग्ज़ाम ख़त्म और 5 दिन की छुट्टियां होंगी मेरी। तो उस टाइम पे मज़े बहुत आने वाले हैं मेरे को। वैसे ये वाला एंगल बड़ा मस्त रहता है, पीछे से देखो बिल्कुल मस्त वाला सनसेट दिख रहा है, आज येल्लो है बिल्कुल सन। पहले जब थोड़े दिन पहले तो यहाँ पे ऑरेंज हो रहा था सन, अभी येल्लो है पूरा, मस्त येल्लो है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक बार टकरू से मिल के आ जाते हैं, थोड़ा सा टकरू से मिलते हैं, बड़े दिन हो गए टकरू से नहीं मिले, मिल के आते हैं टकरू से। यहीं पर बैठा हुआ अभी भौंक रहा था ये, हेलो टकरू, किसा है, अच्छा है, उधर देख रहा है पीछे पे। चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, सो टेक केयर एंड बाय बाय। और जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाहर का उन्होंने पीछे पे थोड़ा सा प्लास्टर करा था, सो टेक केयर एंड बाय बाय। सो फ्रेंड्स, ये इधर पे मैं अभी स्कूटी भी चलाता हूँ अपने फार्म हाउस के बाहर, और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, शाम हो चुकी है फिर भी वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बच्चे तो स्कूटी चला नहीं सकते, तो कैसे चला रहूँगा। असली में ये पीछे पे पूरा हमारा ये सुशीला विहार है, जो उनके उनकी जो मम्मी है उनके नाम से रखा गया था ये सुशीला विहार नाम। वो पूरा जगह है, ये बहुत बड़ा जगह है, तो आप यहीं पे स्कूटी चला सकते हैं, क्योंकि मैं भी चला सकता हूँ अपनी भी, कुछ भी कर सकते, साइकिलिंग वाइकलिंग स्कूटी कुछ भी चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, थोड़े बहुत आते हैं, तो वॉक करते जल्दी जल्दी। मुश्किल वक्त कमांडो सक, 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 मैं कमांडो क्यों बन गया एकदम से। तो जल्दी से वॉक करते हैं, और मैं अभी आपसे मिलता हूँ वहाँ गेट के पास में, अभी पूरा वॉक करके मैं आपसे गेट के पास में मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी गेट के पास नहीं जा रहे, अभी नहीं गया हूँ, मैं वॉक ही कर लेता हूँ,
वहाँ गेट के पास में वो थोड़े से नील गए वो हैं, तो नए डड्डा के साथ ही जाएंगे। चलते हैं, वॉक करते हैं। कितना बड़ा है यार ये पूरा एरिया, पीछे देख सकते हो वहाँ पे पीछे छतरी भी बंद रखी है, तो वहाँ पीछे चलेंगे कभी एक बार, वहाँ आपको बताऊँगा, छतरी दिखा के आऊँगा। तो फ्रेंड्स अभी हम एक वॉक कंप्लीट होने वाला है और मैं आपसे मिलता हूँ अभी गेट के पास। वैसे आज मेरा पाँव भी बहुत दुख रहा है, तो एक वॉक से ज़्यादा लगा नहीं हुआ, तो एक वॉक के बाद फिर एक वॉक तो लगा सकता हूँ कम से कम मैं अभी। सो फ्रेंड मैं अभी मिलता हूँ आपको अब गेट के बाहर। सो फ्रेंड्स अभी मैं गेट के बाहर पहुँच चुका हूँ, पूरा गेट, और यहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। सो फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back.